हेलो 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 हेलो, तो कैसे सब लोग एक बार फिर वापस आ चुका नेवर के साथ। एंड दिस टाइम इज एट विद सिकंदराबाद से राजकोट के बीच में चलने वाली हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अभी फिलहाल भाई वापी जंक्शन को भी अप्रोच कर रही है। वापी जंक्शन क्या हो यार, वापी को मतलब की अप्रोच कर रही है। तो अभी तो फिलहाल अभी आप 7.7 किलोमीटर है। और यार बताओ यार, क्या हाल सभी लोग के, एक बार फिर वापस आ चुका नेवर के साथ। एंड आज की जो जर्नी होने वाली थोड़ी सी हमारी भाई शॉर्ट हुई, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं मतलब कि थोड़ा सा यार देख लेना। मैंने सोचा कि फटाफट से इसके ऊपर यार वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मतलब कि वीडियो नहीं आया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो भाई अभी हम कोई सीजन को स्किप कर रहे हैं, तो भी मैं नाम पढ़ लूँगा उसका। और भाई आज जो है ना भाई एल्को का ज़बरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिलने वाला है। नाम पढ़ लेता हूँ मैं, करम बेली को भी कैसे अभी स्किप करते हुए बड़ी ही शानदार तरीके से रफ्तार से। और हमारे आज एक बार फिर BGP के ICF के साथ हमारी ट्रेन बड़ी शानदार सुनहरी सुबह के अंदर अभी निकलती हुई। अच्छा तो थ्रॉटल मेरा भी ज़्यादा नहीं है, तो 105 का अभी तक हमारा जो है वो स्पीड लिमिट मिला हुआ है। और भाई क्या खतरनाक आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है ना, मज़ा आने वाला है। तुम लोग मज़ा आना है तो यार डिसलाइक कर देना, मतलब यार नहीं करना है, डिसलाइक मत करना, तुम्हारा बता देना यार तुम्हें मज़ा आया नहीं है। तो यार अभी तो फिलहाल अभी अपने करम भीली को मतलब कि स्किप करा है, 5 किलोमीटर वापी दूर है, ठीक है। ये एक्टिविटी जो मैं रूट बता देता हूँ, ये खानदेश रूट है भाई, और साथ ही साथ में जो एक्टिविटी है ये भी उनके कोई एक्टिव मेकर जैसे प्रोवाइड करा गया। और भाई आज जो एल्को की जो साउंड्स आने वाली है, ओए मज़ा आएगा, क्या बात है, एक नंबर। और ये देखो क्या शानदार तरीके स्किप कर रहे हैं ना, और जो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, जो शेडोज आ रही है, क्या बात। अच्छा मैं 100 ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, 105 के ऊपर, वरना फिर वो यार मेंटेन करके चलेंगे, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे FPS के साथ FPS ड्रॉप है, पीछे FPS ज़्यादा ड्रॉप है, आगे कम है। अभी कोई से अभी कैसे भी इसके ब्रिज को भी स्किप करते हुए। और यार और बताओ यार क्या हाल सभी लोगों के, लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर इसके रिगार्डिंग। होप तुम लोग यार अच्छे होंगे और अपनी लाइफ का काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पा रहे होंगे। और गाइस ये चीज़ बता दो यार, काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी यार स्ट्रीम में अगर थोड़ी कमी करूँ, रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। एक्चुअल में क्या क्या रिकॉर्ड में ना मेरा काफ़ी सही रहता है, और स्ट्रीम के टाइम पर ना थोड़ा सा हो नहीं पाता मेरा मेंटेन। समझ रहे हो बस। अच्छा अंदर आ जाते हैं, अंदर से कैसे दिख रहा है। और एक मिनट बस, ज़रा एक काम करता हूँ, ज़्यादा मतलब कि स्टेशन यहाँ से दूर नहीं है, तो भाई ये जो मतलब कि जो 0.5 वाला किलोमीटर वाला जो हमारा जो सिग्नल है उसको मतलब कि स्किप करते ही मैं उसको मतलब कि स्पीड को रिड्यूस करना चालू कर दूंगा। क्या बात है यार, क्या बढ़िया शानदार व्यू हो रहा है आज का। और यार ये देखो यार, एक नंबर चीज। अच्छा सिग्नल पास आ चुका है भाई, तो और मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे FPS ड्रॉपेज भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बड़ा स्टेप है, तो होगा शायद मेरे हिसाब से। अच्छा तो रिड्यूस कर देते हैं और 40 के स्पीड लिमिट पे ले आएंगे, ठीक है। उधर कोई ट्रेन भी क्रॉस हो रही है क्या? नहीं यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है। तो गाइस पहुँच चुके वापी, और यहाँ पे वापी से मेरे को बताना यार कि वापी जंक्शन तो नहीं है ना, मुझे कन्फर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग ना, मैं यहाँ से हूँ नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं रहता, बस इजी मतलब कि ट्रेन सिमुलेटर में इंजॉय करता रहता हूँ स्टेशन को। अच्छा प्लेटफॉर्म पे लग चुके क्या भाई? थोड़ा बहुत ब्रेक लगाते चलते हैं भाई, यहाँ पे सिग्नल के पास में ब्रेक नहीं करना है, सिग्नल ज़्यादा ही ले लेता यार ब्रेक ना, थोड़ा सा मेरे को लगा क्या सिग्नल ना थोड़ा वैसा हो रखा था। चलो कोई इतनी स्पीड पे ना अराइव कर देते हैं ना। अरे वाह क्या शानदार सीनरी लगा रखी है ना वापी के ऑटरी में, ये देखो फुट ओवर ब्रिजेस क्या किस तरीके से बना रखे हैं। और स्टेशन बोर्ड वापी क्या लिखा हुआ यार, मैं पढ़ना भूल गया यार,
समुद्र तल से ऊंचाई 27.33 मीटर। क्या बात है, क्या शुद्ध हिंदी बोली है ना मैंने, तुम भी ट्राई करना। और यार ये जो बीजेपी के इस बार जो आईसीएफ कोचिज है, इसके टेक्सचर देखो थोड़े अलग लग रहे होंगे इस बार, क्योंकि मैंने इस बार टेक्सचर जो जो फीचर आता है उनका टेक्सचर लोड वाला उनका मतलब कि मैंने यूज़ करा, तो अब अलग अलग तरह के मतलब कि मतलब आप आईसीएफ मतलब कोचिज के अलग तरह के टेक्सचर्स आप लोड कर सकते हो, डर्टी लुक वाले भी, न्यू लुक वाले भी। जैसे कि ये देखो ये आगे वाले जो मेरे जनरल के डिब्बे हैं ये सारे न्यू लुक वाले लग रहे हैं। और अरे ये तो मैं भूल गया, कौन सी भाई फ्राइड ट्रेन का जैसे कोई यहाँ पे स्किप करती हुई वापी को बीटी पेन भाई, क्या बात है। मैं ज़रा ब्रेक लगाता चलता हूँ, लगा ही लेता हूँ ताकि मेरी ये क्रॉसिंग जो है वो मिस ना हो जाए, क्या बात है। बस भाई यही रोक देते हैं अपनी ट्रेन को, वापी हमारा आ चुका है। और ये पेट्रोल वाली गाड़ी, हाँ बिल्कुल पेट्रोल वाली मालगाड़ी आ चुकी है वापी के ऊपर। हमारे सिग्नल पूरी तरीके से क्लियर है, 2 मिनट यहाँ पे स्टॉपेज है, तो हाँ यहाँ पे इसको मतलब कि सिग्नल नहीं मिला है, बेचारी को वेट करा दिया यार। अच्छा अभी 1:44 बचे हुए हैं, तो मैं थोड़ी बहुत देख लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके का इस वापी कुछ बना हुआ, अरे वाह क्या लग रहा है यार बीजेपी के ऐसे आवाज से शेडोज के साथ, देखो यार एक नंबर के। और पीछे से वो देखो मालगाड़ी जा रही है, आ रहा नहीं आ रहा रियल वाला लुक, तुम्हें रियल वाला फील यार, लुक तो आ ही रहा होगा, फील आ रहा नहीं आ रहा बताना। अच्छा इसको रुकवा दिया गया वापी के मतलब कि लूप लाइन के ऊपर, लूप हाँ लूप ही। और इसको बैग नहीं मिला था डॉक्टर सिल्वर वाला, पता बैग नहीं मिला था गोमो शेड का। अच्छा इसको कोई ट्रेन ओवरटेक करने आ गई है एक्चुअल में, क्या बात है यार एक नंबर। तो हमारे यहाँ पे इसके साथ क्रॉसिंग होती हुई और इस बेचारी बेचारी वाली मालगाड़ी को पड़ता हुआ खतरनाक वाला ओवरटेक भाई, इसको तो आराम से पूरी फुल कैप्चर करेंगे फुल। अरे वाह WTG 4D, कौन सी ट्रेन है यार मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ ही लेता हूँ। पाइथन फ्राइड बीटी पिन मतलब की फ्राइट को ओवरटेक करके जाते हुए, क्या बात है यार एक नंबर। जब बात आई थिंक हमारा जो है सिग्नल भी मतलब हाँ 10 सेकंड में कैसे हमारा डिपार्चर भी होने वाला है। और ये पाइथन फ्राइट इस बीटी पिन मतलब की फ्राइट की अच्छी तरीके से लगाकर जा रही है, कोयला बड़ा हुआ है यार इसके ऊपर। और ऊपर क्या कहते हैं उसे ट्रैपोलिन कहते हैं ना शायद, कन्फर्म यार बेचारी को भी टिक पड़ गया। ओ भाई क्या शेडोज आ रखी ना, तो चलते यार स्टेशन मार्जे ने हमारी सीटी बजा दी है, हमारी नहीं मतलब हमारे सिग्नल के लिए सीटी बजा दी है, आप डिपार्ट कर सकते हैं, कृपया करके आप प्रोसीड कीजिए। अरे यार ये हाई स्पीड वाला मतलब कि जो हॉन्ग है ना यहाँ पे बसा हुआ थोड़ा अलग लग रहा है ना, तुम लोगों को भी लग रहा होगा ये चीज़। अरे वाह एक नंबर भाई, कोचिस को देख के तो मेरे को तो छोड़ो यार तुम लोग बोलेंगे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं भाई वीडियो के दौरान, थोड़े तो कुछ रूल्स और एथिक्स रख। लेकिन यार एक नंबर यार जो हमारा अभी फिलहाल डिपार्चर। और ये देखो ये मैं डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था, वो आगे वाले जो है वो थोड़े न्यूली पेंट लग रहे हैं और ये पीछे वाले थोड़े से ऐसा लगे कि डर्टी लुक है ना। क्या बात है, राम राम से बात करेंगे। 26 किलोमीटर बाद हमारा वलसाड़ स्टॉपेज है, और बता दूं यार वहीं पर ही हमारी एक्टिविटी भी ओवर होगी, मतलब कि यार हमारी एक्टिविटी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। एक्चुअल में एक्टिविटी छोटी है और इसके पीछे का रीज़न यह हो सकता है इसके जो लाइंस है बेसिकली वो ना हो वहाँ से, इसी वजह से जो है ये एक्ट वहीं तक ही रखा गया। और हम मेन लाइन पे ही है ना तो भाई ज़्यादा टाइम ले लेंगे हम, 105 का स्पीड लिमिट भी है, फटाफट से भाई डिपार्ट लेंगे। मिला नहीं मिला भाई इस मालगाड़ी को सिंह, अरे वाह बेटे तुम इंतज़ार करो तुम्हारे तो जो गजब ओवरटेक पड़ने वाले हैं। और जो भी टैक्स ऑन सारी है, क्या बात है एक नंबर।
चले कैब व्यू में चले। कैब व्यू वैसे तो बहुत बार देख चुके होंगे, यहाँ आ जाते ना, अपना फेवरेट लटकने वाला व्यू। क्या बात है, तो 25 किलोमीटर वापी दूर है, वापी कह रहा हूँ वलसाड दूर है यहाँ से, और उसके बाद हमारी एक्टिविटी और हो जाएगी। देखते हैं यार कहाँ तक का रहता है। वैसे तो यहाँ पे 8:15 मतलब 8:15 में मतलब कि यहाँ पे वलसाड पहुँचना है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो कि हम 40 मिनट तक तो कवर कर ही लेंगे। एक्टिविटी और थोड़ी सी बकचोदी कर लेंगे ना, तो 5 मिनट वहाँ पे कवर कर लेंगे ना। ये सही है, मजाक कर रहा हूँ, जितने का एक्टिविटी रहेगा उतने का ही करूँगा यार। और यार ये देख लो वापी शहर। अच्छा तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप करता हूँ, एक काम करता हूँ ऑटो पायलट में दे देता हूँ गाड़ी को ना, या ना दूँ, मेंटेन ही करते हैं और क्या। अरे वाह, एक और बार ट्रक और हमारी मुलाकात। भाई ये ट्रक वाले यार यहाँ पे इस गेम के अंदर तो भाई कभी मतलब हार मारने वाले में से नहीं है, हमेशा कॉम्पिटिशन करते ही रहते हैं। क्या बात है, रूट काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होगा इस बात को कहते हुए। और यार मैं बहुत बार मतलब कि भूल भी जाऊँ, तुम लोग भी बोलते हो कि यार खामा खामे कितनी फालतू बातें करेगा, गेम पे थोड़ा फोकस कर ले भाई। अच्छा कोई क्रॉसिंग है क्या? नहीं नहीं यहाँ पे कोई, आई थिंक ट्रक का जो है वो बना हुआ है शायद। ट्रक का यार्ड कहेंगे ऐसे, ट्रक का यार्ड, ट्रक का यार्ड बना हुआ है। ओ भाई ट्रक हवा में भी लटक रहे हैं वहाँ पे तो। अरे यार ये मैं इन सब चीज़ों को देख के पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बोझ जाता हूँ, अब मेरे को आदत डाल लीजिए यार इन सब चीज़ों की ना, क्या बोलते हो। अच्छा कोई ट्रेक और ट्रेन अभी आ ही चुकी है हमारे, क्या बात है। LHB पार्सल वैन विसांट में था V4 के साथ, कौन सा भाई? अरे भाई ये क्या था, LHB भूल के भाई आई से निकल गई भाई, बहुत तगड़ा स्कैम हो रखा है इस गाड़ी ट्रेन में तो लिटरली भाई। उसके ऊपर जो विंडो थी उसके ऊपर शो रहा था LHB पार्सल मैन और ICF पार्सल मैन, क्या बात है, क्या लग रही है हमारी ट्रेन। आजा भाई आजा, अब कहाँ ट्रेवल करें, अंदर से तो ज़्यादा अच्छा पता ही है तुम लोगों को यार, ज़्यादा बेहतर वो नहीं है, इंटीरियर वगैरह ज़्यादा खास नहीं है, तो अंदर से तो करने का फ़ायदा नहीं है, यहीं से मतलब कि सीटी को एंजॉय करते हैं और एक्टिविटी और ट्रैफिक को भी, और अपने एल्को के यार ज़बरदस्त वाले हॉर्न को भी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी मतलब कि अपना मतलब कि खुद का एक्टिव फिर दोबारा से मतलब कि बनाना चालू करूँ। एक्चुअल में क्या है यार अब टाइम वगैरह थोड़ी सी यार शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉलेज वर्क वगैरह के साथ साथ, कॉलेज वर्क वगैरह की इतनी नहीं होती जितनी ज़्यादा था उससे थकान की हो जाती है, समझ रहे हो। तो बस इसी वजह से यार मतलब कि थोड़ा बहुत यार स्ट्रीम वगैरह भी मैंने थोड़ी सी बंद करके है, और यही रीज़न है मेरा। बाकी मैं एक मतलब कि और तुम लोग से मतलब कि सोच रहा हूँ, एक बार मेरे 500 सब्सक्राइबर, बस यार 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जो लोग भाई लोग मेरे बच्चे भी नहीं देख रहे हैं भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, और 550 हो यार, तो 500 के बाद मैं सोच रहा हूँ कि MSTS का Q&A करूँ जिसके अंदर तुम लोग अपनी मतलब की सारी के सारी प्रॉब्लम्स बताओ, ठीक है, जितने भी मतलब की, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है यार काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है मतलब कि MSTS के जितने भी होते हैं तो। अरे वाह स्टेशन को तो भाई अलग से एंजॉय करेंगे, क्या बात है यार, मैं ज़रा उधर कैप्चर करूँगा। अरे वाह एक नंबर, क्या क्रॉसिंग हुई हमारे स्टेशन के ऊपर, स्टेशन का नाम पढ़ना मैं भूल गया, पीछे था क्या नाम है भाई, बगवाड़ा हाँ सही स्पेल कर रहा है ना, मेरे को बताना यार। हाँ तो मैं इसके रंग बात कर रहा था कि MSTS के जितने भी मतलब के जो क्रिएटर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती रही है, जो नए मतलब के होते हैं प्लेयर्स या फिर जो पुराने भी होते हैं उनको भी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उसके रिगार्डिंग और मेरे मतलब कि काफ़ी सारे वीडियोस के ऊपर उनके कमेंट भी है, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि MSTS का Q&A करूँ जिसके अंदर तुम लोग अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है MSTS के रिगार्डिंग वो सब बताओ,
और उसके रिगार्डिंग एक स्पेशलाइज मैं वीडियो बनाऊँ। इससे क्या होगा कि जितने भी मतलब कि जो नए मतलब कि जो क्रिएटर्स हैं हमारे क्रिएटर्स हैं और प्लेयर्स हैं उनको भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ में जो पुराने हैं जिनके मतलब कि क्वेश्चन हैं उनको तो मिलेंगे मिलेगी। चलो यहाँ से ट्रैवल करते हैं अपना। दरवाजा खोलो भाई, हेलिको लोकोमोटिव के अंदर पैसे ट्रैवल कर रहे हैं। और जो मतलब कि भाई, अरे वाह, क्या बात है। अभी एक और सीजन को भी हमें स्किप करते हुए भाई सिकंदराबाद राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो भी खतरनाक स्पीड में चल रही है ना, एक नंबर। अच्छा ये कोई स्टैटिक ट्रेन यहाँ पे पता कि अभी खड़े हुए हैं, क्या बात है। इसको तो भाई यहाँ से कब्जा करेंगे बाहर से। अरे 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 इतना डांस क्यों कर रहे हैं मेरे कोचेस। और गाइस आज में हमारा एसी का टिकट नहीं है तो एसी के अंदर नहीं ट्रेवल कर पाएंगे, सॉरी स्लीपर का टिकट है भाई, स्लीपर के अंदर ही ट्रेवल करें। वैसे टिकट है ही नहीं एक्चुअल में मेरा आज, स्लीपर का ना एसी का ना स्लीपर का, बस मैं टॉयलेट में मतलब छुपने की तैयारी कर रहा हूँ थोड़ी देर में, ताकि मतलब कि जो है ठीठी मेरे को मतलब कि ना पकड़ पाए। और भाई एक कॉट ट्रेन के खतरनाक क्रॉसिंग होती है हमारी, क्या बात है। जामनगर आज भी था त्रिनुवेली आज भी था एक्सप्रेस विद अमृता एल्को लोकोमोटिव, क्या बात है, एक नंबर भाई। अरे दूसरी साइड आ जाओ भाई, जामनगर त्रिनुवेली एक्सप्रेस क्या हॉन्ग करा है भाई इसने यार। ओ वाह 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 भाई, पेड़ ही पूरा रास्ते के बीचों बीच आया पड़ा है। अरे 108 के ऊपर चले गए क्या हम। ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर गए गाइस हम, तो थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। हाँ ये सही है, एक्चुअल में कहता है कि ग्रेडियंट जो है वो नीचे की तरफ आ गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को मतलब कि प्रॉब्लम हो गई थी, मेंटेन मेरे से होती नहीं है वैसे स्पीड लिमिट, क्या बात है। ट्रैक साउंड सुन रहे हो, आईसीएफ के धड़ाधड़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का ऐसे बस है ना वो लगते हैं मेरे को तो आईसीएफ के ट्रैक साउंड्स। अच्छा तुम लोग बताना, तुम लोग को आईसीएफ के मतलब आईसीएफ है वर्सेस एलएचबी नहीं, आईसीएफ के ट्रैक साउंड ज़्यादा पसंद है एलएचबी के ट्रैक साउंड्स, देखो बताना। बाकी मुझसे पूछो तो भाई दोनों ही मेरे को अच्छे लगते हैं, इसमें कोई एक चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे को। क्या शानदार लग रहे हैं ना हमारे बीजेपी के कोचेस। बस एक चीज़ की अभी भी प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर, वो है बोर्ड्स, ट्रेन के बोर्ड्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। मैंने लास्ट मतलब कि जब मैंने कांटेक्ट करा था हमजा मतलब कि सर को, या फिर हमजा भाई बोल लेते हैं, अब सर तो क्या ही बोला तो हमजा भाई को मैंने कॉन्टैक्ट करा था, तो उन्होंने बोला था कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो बस वही इसी वजह से मैं सोच रहा था कि वो रियल वाले जो वो है बोर्ड्स उन्हीं का ही मतलब कि यूज़ करूँ, बट वो बोर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। और भाई ये देखो यार क्या ज़बरदस्त है ना, या सारी विंडोज़ में अगर ऑफ कर दो, और जो कैबूज के कैबूज कह रहा हूँ मैं, कपलर पोर्शन की तरफ देखो एक बार, एक नंबर है बताना यार। अच्छा एक चीज़ बताऊँ इसके अंदर, पता है एक ब्रेक के अंदर थोड़ी गड़बड़ी हुई है शायद, तुम लोगों ने वो गड़बड़ी देखी तो बताना, मैंने तो शायद वो नोटिस कर दी। अच्छा 90 का स्पीड लिमिट भी आ गया भाई, थोड़ा सा एक और ट्रेन आ गई, क्या बात है। कच्छ अटबी तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे गाइस हमारी क्रॉस होती हुई, और हम किसी मतलब कि फ्राइट ट्रेन को ओवरटेक मारे क्या, विसा नंबर द वैफ 5, क्या बात है। एलएचबी और आईसीएफ दोनों साथ साथ में, मैं अपनी ट्रेन मतलब कि मिस नहीं करना चाहता था, इसे फटाफट से उसको जाके कैप्चर करा, नहीं तो एक्चुअल में क्या होता है कभी कभार ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ट्रैक चेंज भी हमारा मतलब कि अभी शो हो रहा है,
यार कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी जो क्रॉसिंग थी वो थोड़ी सी अच्छी तरीके से मिस हो गई, सही तरीके से फ्रेम में नहीं आ पाए ना। चलो कोई बात नहीं, और यहाँ से कोई लाइंस भी ये डाइवर्ट हो गई है, ये आई थिंक मेरे को नहीं पता किस चीज़ की है। और ट्रैक चेंज मैंने यहाँ पे शो हो रहा है, आगे जाके रेड सिग्नल भी शो हो रहा है, क्या बात है। और ये रिवर एक नंबर, और कोई ब्रिज को भी हम फिलहाल अभी स्किप करते हुए, स्किप क्या करते हुए यार, उसको क्रॉस कर रहे हैं। मैं भी ना अपने फ्लो फ्लो में पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, तो कुछ पता नहीं चल पाता, तो इसको इग्नोर कर देना तुम लोग, या गाली लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे लिए, वो मैं पढ़ लूँगा यार। मत लिख लें यार तुम लोग, यार कहीं स्पैम करने लग जाओ। अच्छा वैसे बताओ कि मैं काफ़ी पहले पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ कि मेरा जो वो है बी कीबोर्ड का बी एक्चुअल में वो मेरा ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसी वजह से मेरे जो बेल है जो सेकंड हॉर्न होता है ट्रेन का वो मेरे यहाँ पे नहीं बच पा रहा है, क्या बात है एक नंबर। टेक्सचर देखो यार एक बार, आई नहीं आया मजा आया आज की जर्नी के अंदर, मानता हूँ छोटी जर्नी थी समझ गया, लेकिन यार जो अभी सुबह का जो समय हो रहा है ना और जो शेडोज और मतलब वेदर हो रहा है और जो अभी तक हमें क्रॉसिंग्स वगैरह देखने को मिली है, सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। अब कहाँ चले, चलो यार एसी में चले ही जाते बिना टिकट है, लेकिन कोई नहीं यार चलता है। इंटीरियर में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ भाई, सॉरी उसके लिए। एक्चुअल में क्या है कि इंटीरियर इतना कुछ खास बना नहीं हुआ, इसलिए मैं इंटीरियर वगैरह को थोड़ा सा। अच्छा रेड सिग्नल आ गया भाई, तो अरे 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 डायनेमिक ब्रेकिंग में नहीं ऑन हो गई थी अपना, 0.6 किलोमीटर बाद हमारे से कौन ट्रेन भाई, क्या बात है, इसको तो कैप्चर करेंगे, टेंशन ना लो। कौन सी है भाई, नाम बता दे जाना भाई। होंग बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इसका, अतुल जंक्शन के ऊपर, अतुल के ऊपर सॉरी फ्राइट ट्रेन हमारी अराइव कर रही है, इसका मतलब इसे पीछे से कोई ओवरटेक मारने वाली जो गाड़ी है वो लगभग आई डी। और ये साबरमती के WTP 40 के साथ, क्या बात है भाई एक नंबर। क्या बात है खतरनाक, अच्छा अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है इस टाइम पे कि एक्चुअल में क्या था कि मेरा इसको देखते देखते सिग्नल ब्रोक हो चुका है, बट अभी फिलहाल भाई मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस अभी अभी ओवरटेक करके जाती हुई और बड़ी धीमी धीमी तरीके से निकल गई भाई। आई थिंक इसके अंदर जो ट्रैक साउंड्स है वो अभी होंगे नहीं, और मैं एक काम करता भाई ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और अपना जो है पीछे कर लेता हूँ। अतुल पे हमारा आई फाइनली सिग्नल ब्रोक हो ही गया, कितनी खुशी की बात है ना, और कितने हम इजीली हम सिग्नल ब्रेक करते हैं नहीं भाई। आज तो भाई मेरी ड्यूटी गई, अगली बार जब भी मैं गाइस मिलूँगा तुम्हारे साथ तो एक शंटिंग के साथ मेरे को लग रहा है मिल पाऊँगा। काफ़ी पीछे लिया है मतलब काफ़ी आगे लिया है मैं अपनी ट्रेन को यार, उस क्रॉसिंग के चक्कर में जो फ्राइट आ रही थी, फ्राइट गंदी नज़र लगा दिया तूने, अगली बार से कोई भी फ्राइट आएगी मैं देखूंगा नहीं उसे। ये देखो कितना आगे थे हम, अच्छा वैसे सिग्नल मिल ही गया है, क्या करें। वैसे ये स्टेशन बड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा, जो भी कहो यार। पीछे से एक और ट्रेन आ रही है क्या भाई, नहीं वो ये थिंक वही जा रही है वो,
जो फ्राइड अपन यहाँ पे क्रॉस हुई थी ना, ये देखो यार क्या बात है, क्या व्यू है यार यहाँ का, तो एक नंबर। एक काम करता हूँ, मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा यार, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बकचोदी हो चुकी है, तो थोड़ा सा यार ले लेंगे अभी ट्रेन को, ठीक है। और मेन लाइन पे तो मेरे हिसाब से हम है ही शायद। और भाई क्या व्यू आ रखा है, बताओ यार। अतुल से हमारा अभी फिलहाल यहाँ पे डिपार्चर होता हुआ, और सेशन मार्च जी हमें वलसाड के ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पे हमें देखेंगे कुछ ना कुछ, हमें साथ हमारे साथ कुछ हो सकता है, तो कृपया करके वहाँ तक बने रहिए, उस एपिसोड का भी हम जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। अरे हमने दरवाजे खोल रखे क्या भाई, बंद कर दो यार, ऐसी भी आजकल पता नहीं आता, चलती चलती ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, ट्रेन की स्पीड है 15-20 उसमें भी आराम ही सारे के सारे। लेकिन भाई ओए होई क्या डिपार्चर हो रहा है सुबह का वक्त में, और जो एल्को की छोटी थोड़ी सी छग आ रही है, बताओ यार तुम लोगों को कैसी लग रही है यार आज की, जो मतलब कि हमारी जर्नी, बताते रहो यार तुम लोग, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तू तो कमेंट कर देना इसके रिगार्डिंग, ताकि मैं मतलब कि इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकूँ यार आने वाले टाइम के अंदर, इसलिए मतलब। तो सिग्नल पूरे क्लियर है, 6 किलोमीटर बाद भाई बस यहाँ से हमारा वलसाड यहाँ से दूर है। क्या बात है यार, क्या राइम बना है ना, राइम के मामले में माहिरू। चलो आ जाओ, मेन लाइन को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। अच्छा वलसाड से राजकोट की तरफ की जो लाइन है वो इसका मतलब फिर कहीं और, राजकोट की तरफ कहाँ से निकलती है इस पता ना यार को, कि वलसाड से राजकोट के लिए कहाँ से मतलब की लाइन निकलती है। क्योंकि मेरे को कुछ कुछ भी आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग, और सामने क्या ब्यूटी हो रही है, नेचर्स ब्यूटी। तुम लोगों को ये चीज़ पसंद आती नहीं आती बताना यार। अच्छा तुम लोगों को बड़े स्टेशन मतलब सेंस सिटीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, या फिर विलेजेस है, या फिर बीच में, मतलब जैसे एज अ ट्रैवलर के तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, कि इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे खेत खलियान है, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मेन लाइन पे आ गए क्या भाई हम, बता दो यार, शायद आ ही गए हैं, तो स्पीड अप कर ही देते हैं। और वलसाड पे कहीं हमारा एक बार ना हो जाए फिर दोबारा से सीन, इस बार तो भाई मैं अटेंटिव रहूँगा पूरी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सिग्नल ब्रेक करना, इंसान से गलती एक बार होती है बार बार नहीं। हाँ ठीक है, पर पिछली बार भी सिग्नल तोड़ा था याद है, उसका काउंट थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा बता दूँ, मैं जब लोकोमोटिव को तो मैं बताना भूल ही गया एक्चुअल में, आज हमें गुंताकल के, अरे ये कहाँ गए, आज हमें एक्चुअल में क्या है कि गुंताकल के WDM डुअल, सॉरी गुंताकल के WDM पे तो 3D है या फिर 3A है, आगे लिखा होगा इनके जोर, WDM 3 है गुंताकल शेड के, रेड कलर के, ओहो ऐसे गुस्से वाले जो आता ना वो वाला लुक है इनका। 168 पे तो 3-3 रीबिल्ड, आर का मतलब रीबिल्ड, और साउथर्न रेलवे इनकी मतलब की जो है जोन पड़ता है। अच्छा हुआ ड्यूअल है, नहीं तो मेरे हिसाब से अगर ये सिंगल लोकोमोटिव होता तो शायद ये, हाँ ISF के मुताबिक शायद मेरे हिसाब से काफ़ी होता, बट वैसे LHP वगैरह 130 पे लेके जानी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार। यार बाहर का क्या जब वेदर हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है। कभी यार फॉग में भी मतलब कि इसके अंदर ट्रेवल करूँगा, इस गेम के अंदर फॉग वाली कोई जर्नी करने की कोशिश करूँगा, नाइट वाली यार मैं कोशिश हमेशा करता जोर पर, एक्टिविटी मिलती नहीं है मेरे को, मैंने इसलिए मतलब कि ये ISF जर्नी रखी, क्योंकि मेरे को BGP के मतलब के ट्रैवल करने थे, इसलिए क्योंकि BGP की थोड़े नए प्रोडक्ट्स है ना, इसलिए सोचा मैंने कहा चल चलो इसी में यात्रा करते हैं। हाँ याला याला भी सही रहेगा ना, पीछे ट्रैक साउंड ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे कम आ रही है, ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों है भाई।
अच्छा 3 किलोमीटर बाद हमारा वलसाड़ भी आने वाला है, और कोई ट्रेन भी आ रही है क्या सामने से? यहाँ से तो शायद कोई दिख नहीं रही, लेकिन अभी भाई जो एल्को लोकोमोटिव अपनी जान लगा रहा है भाई, एक नंबर। क्या बात है, इस बार तो मेरा पूरा ध्यान ट्रैक मॉनिटर की तरफ है भाई, प्रॉपर तरीके से रोक इस बार कोई बकचोदी नहीं, कोई गलती नहीं, गलती की गुंजाइश ही नहीं है भाई, ये समझ लो। यहीं से स्पीड रिड्यूस कर देते हैं, ये वलसाड़ वैसे भी बड़ा स्टेशन है तो उसके ऊपर यहाँ पे स्पीड हमारी कम ही रहनी चाहिए। और यहाँ पे कोई ये यार्ड जो है वलसाड़ का वो भी यहाँ पे चालू हो चुका है, जहाँ पे पीछे की तरफ कोई LHB ट्रेन खड़ी हुई है, दिख रही है यहाँ से मेरे को। चलो भाई अब यहाँ पे कर लेते हैं अपनी ट्रेन को रिड्यूस। क्या बात है यार, होपर सोनी यहाँ पे खड़ी हुई है और उसके पीछे भी एक और LHB ट्रेन है। रेक शंटिंग एड्रेस पे तो वलसाड़, तो ये शंट रेक जो है शंट हो रही है भाई वलसाड़ के ऊपर। क्या बात है यार, वलसाड़ आते आते भाई दिल खुश कर दिया इस एक्टिविटी ने मेरा। तो WTS पे तो 6 नहीं, WTS कौन सा है भाई ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेक शंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये 4-5 कोचिज है बस इसके साथ जुड़े हुए, एक ड्रोन तो क्या है, और नहीं 2 ड्रोन तो क्या, 2 हम सफर के और 2 उसके है सबसे। और यहाँ पर भी भाई प्रॉपर ट्रैफिक लगा हुआ है, और पीछे की तरफ भाई हमारा क्या बात यार भाई, इसको तो फ्रेम में लेंगे अपन, ये देखो यार ना, तुम्हें इस सीन को देख के मज़ा आ रहा है। एक नंबर। अच्छा वलसाड़ पहुँच गए हैं, तो भाई हमें इस बार सिग्नल नहीं ब्रेक करने, बड़ी तेज़ हम लेकर आ रहे हैं ट्रेन को, स्टेशन मास्टर जी पहले हमारे से भड़के हुए होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं स्पीड को ले लेता हूँ 10 पे ले लेता हूँ, 10 पे ही हम यहाँ पे अराइव करेंगे, बेस्ट सबसे सही बेस्ट सॉल्यूशन। क्या बात यार, अभी भी ऐसे 0.2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आराम आराम से धीमी धीमी गति से आएंगे, मतलब धीमी धीमी गति से अराइव करेंगे। तो बताने यार आज की जर्नी तुम्हें कैसी लगी, सिवाय बस सिर्फ एक रेड सिग्नल को छोड़ के हमारी जो जर्नी थी आज मेरे को हिसाब से तो कभी सही रही, बस वो रेड सिग्नल ने यार वो तो मेरी गलती है, मैं कितनी बार मतलब कि उसको कर चुका हूँ, तो ट्राई करूँगा मैं यार उसको कंट्रोल करूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि वो ट्रेन एकदम से आई तो मैंने उसको उधर मेरा पूरे का पूरा ध्यान चला गया, मैंने कहा अरे इसको क्रॉसिंग पिछली बारी ट्रेन की मिस हो गई थी तो इस बार लेनी है। अरे पीछे से कोई एक एल्को की छत पे साउंड आ रही है, तो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, हमें ओवरटेक करके जाएगा क्या कोई? बस इतना ही भाई, ठीक है। और एक काम करता हूँ ना, आ भाई दिखाओ कौन है। अच्छा तो हमारे बगल वाले ट्रैक के ऊपर जस्ट यहाँ पे WTS पे 6 जो है कुछ 6 कोचेस के मतलब कि जो रेक है उसको शंट कर रहा है दुरंतों के, जिसमें 2 डिब्बे लगे हैं, जिसमें 2 हमसफर के लगे हैं, और ये 2 नॉर्मल मतलब कि LHB के लगे। भाई ये कौन सी रेक है मेरे को कोई समझाएगा, तुम में से बताओ तो बताना। और भाई एक बार फिर हमारा LHB मतलब कि जो BGP के LHB है और ICF पे दोनों का मिलन होता हुआ यहाँ पर, क्या बात है, एक नंबर। अच्छा हमारा अभी तक वो नहीं हुआ क्या पैसेंजर बोर्डिंग अभी चालू, मैंने तो ट्रेन कभी रोक दी। आई थिंक ये रेक शंटिंग नहीं थी, हाँ मेरे को लगी रहे कुछ शिफ्टिंग चल रही है मेरे हिसाब से रेक की, जिसमें हो सकता है कि कुछ कोचेज हो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती ना तो वो शिफ्ट होते हैं, लेकिन क्या लग रहा है भाई पीछे से देखो एक बार, अरे वाह एक नंबर। अच्छा वैसे हमारा यहाँ पे वलसाड़ आ तो गए बट यहाँ से अब आगे का क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को आगे का किसी ने ऑर्डर दे नहीं रखा, एक्चुअल मैंने आगे का पढ़ ही नहीं रखा। काम करते हैं सिग्नल वैसे क्लियर है तो उसको आगे चलते हैं, स्टार्टर सिग्नल है हमारे पास। अरे वाह यहाँ से है ना भाई,
दोनों ही साथ साथ, मतलब कि यहाँ पे फिलहाल तो अभी आगे निकल ही गई है। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा आगे जा पाई, निकल ही गई शायद मेरे हिसाब से। क्या बात यार। अच्छा ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक्चुअल में आगे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि हमारे ट्रैक के ऊपर है, तो इसी वजह से ये रोक ही जाते हैं। थोड़ा आगे और ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन यार क्या कमाल की आज हमारी जो जर्नी रही ना, मज़ा आ गया। मैं बड़ी धीमी धीमी ट्रेन गति से जा रहा हूँ। इसको रुकवा दिया गया है। आज का एक्टिविटी मेरे हिसाब से अवेलेबल है या नहीं, एक काम करते ले ही लेते थोड़ा थोड़ा। नहीं होगा सीधा, हाँ मेरे को पता था यही होने वाला था, आई नो दैट। तो मेरे हिसाब से आएगा जो एक्टिविटी है वो, अरे अब जाके मेरी पैसेंजर बोर्डिंग हो रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है, इतना आगे जाके रुकना था ट्रेन, क्या बात है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मतलब कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा बताना है। ये जर्नी छोटी ICF की जर्नी विन सिकंदराबाद से राजकोट के अंदर चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अंदर लगी, कैसी लगी मेरे को बताना। हाँ मेरे को पता है कि थोड़ी बहुत बकचोदी जरूर हुई, बट ठीक है, छोटा एक्ट जरूर था। इनके जो एक्टिंग मेकर है, मैं ट्राई करूँगा उन्हें कि भाई थोड़ा सा इस एक्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, मतलब आगे का पार्ट बनाते पार्ट टू। आई थिंक पार्ट टू इसे वो इसलिए नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि मेरे हिसाब से इसका रूट अवेलेबल नहीं होगा, मतलब जिस तरफ की ट्रेन जाती है उस तरफ की लाइंस यहाँ पे है नहीं इस रूट खाते रूट में, शायद कंफर्म नहीं हो भाई। और बाकी यहाँ पे कोई LHB ट्रेन भी खड़ी हुई है। गुंता कल का हमारा आज की काफ़ी अच्छी जर्नी रही। अरे लास्ट में हमारा ये FPS ड्रॉपेज भी हो गया। और यार एक बार ICF का राउंड मारा था ना अपनी जो ट्रेन है, क्या लग रही है ना ये पूरी की पूरी, मतलब की विंड ऑफ करता हूँ। और वाह जो AC के मतलब की कंप्रेसर की साउंड है, और जो ये देखो ये वाला टेक्सचर अच्छा लग रहा है ना, बताना यार तुझे। तो बस यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना दोस्त, लाइक के बिना मतलब की जाना हुआ, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी मैं मिलता रहूँगा आने वाली ऐसी मतलब की वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय। लो एक्टिविटी का एंडिट भी आ गया मेरा, क्या बात है, आज पहली बार मैंने कोई एक्टिविटी है जो ख़त्म करी है लिटरली। तो अपना ध्यान रखना, गुड बाय एंड टेक केयर।